अस्सलाम वालेकुम हाँ जी आज जिस मेडिसिन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आर्सेनिकम एल्बम बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है और इट्स अ लाइफ सेविंग मेडिसिन और ये जो है मिनरल किंगडम की पोलिक्रिस्ड मेडिसिन है जैसा कि पहले हम अक्सर मेडिसन प्लांट किंगडम की हमने पढ़ी है इसी तरह से आज की जो हमारी मेडिसिन है वो मिनरल किंगडम की मेडिसिन है क्योंकि ये बहुत से सिम्टम्स को कवर करती है इसलिए डॉक्टर हनीमन जो के इसके बानी थे होम्योपैथ के उनका कहना है कि ये हर घर में होनी चाहिए इसकी इम्पोर्टेंस के पेश नजर उनका ये कहना है और इसका मरीज जो है मेंटली और फिजिकली तौर पर बहुत बेचैन और कमजोर होता है और जब से ये जो है हमारे अराउंड वायरल डिजीज यानी कि कोरोना जब से बहुत ज्यादा दिखाई देने लग गया है तो अक्सर लोग फ्लू से और इस किस्म के वायरल जो बुखार हैं बहुत घबराती हैं। हालांकि ये इसकी बड़ी अच्छी मेडिसिन है और अक्सर होम्योपैथ जो है डॉक्टर जो है होम्योपैथिक में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन भी करते हैं और मेडिसन्स के साथ और अगर कोरोना हो जाए तो उसमें भी ये मुख्तलिफ मेडिसन के साथ इसको देती हैं आर्सेनिकम एल्बम बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि फ्लू किसी किस्म का भी हो वायरस से फैल रहा हो तो इसमें गले में शदीद दर्द हो छींके आए बुखार हो सूखी खांसी हो सांस लेने में मुश्किल हो और अगर ये सब कुछ बिगड़ जाए यही वाली अलामत तो नमोनिया की शक्ल अख्तियार कर, ले, कर लेता है तो ये अमूमन जो है ये कोरोना में भी ये सब कुछ जो है लंग्स वगैरह के इशू और नमोनिया होता है और देखने में आती है क्योंकि उससे ये इसकी मिलती जुलती सिम्टम्स है इसलिए जो है अक्सर क्लिनिक्स में आजकल ये इस्तेमाल की जाती है इसके मरीज में अक्सर खुजली भी दिखाई देती है खुजली की भी बेहतरीन मेडिसिन है जिसम पे है मुख्तलिफ किस्म के जो है सराइसिस हो जाए एक्जीमा हो जाए रिंग वॉम हो जाए और जलन और खुजली बहुत हो इसके पेशेंट को अमूमन गर्मियों में इसके मरीज में को इस सिम्टम में कमी आ जाती है और अक्सर मरीज ठंडे और के बजाय गर्म चीजें खाना पीना पसंद करते हैं यानी उन्हें होता है कि हमें कुछ खाने में गर्म मिले और इस इनके जो पेशेंट हैं जलन और खुजली वाले अक्सर उस इन जगहों पर काले रंग के निशान जो है बन जाते हैं और आता आहिस्ता वो निशान जो है फिर खत्म हो जाती है मेडिसिंस वगैरह ले तो वो खत्म हो जाती है और इसका पेशेंट एक और इसमें बड़ी अलामत देखी जाती है कि उससे सीधा नहीं लेटा जाता वो या साइड लेके लेटता है या थोड़ा सा सर ऊपर ऊपर करता है बिल्कुल सीधा नहीं लेटा जाता और पेशेंट को अमूमन घूंट घूंट प्यास लगती है यानी कि वो इकट्ठा पानी नहीं पी सकता जैसे नॉर्मल जो पर्सन होते हैं वो तो एक बार में गिलास पी लेंगे या तीन बार जो हमारी सुन्नत है तो तीन मरतबा में वो पानी पी, पी लेंगे एक गिलास में तो उनका प्यास खत्म हो जाती लेकिन इसके पेशेंट की ये एक की सिम्टम है की उसका मुंह बार बार सूखता है वो थोड़ा सा पानी पीता है फिर रख देता है फिर थोड़ी देर बाद प्यास लगती है फिर पानी पिएगा फिर उसके बाद रख देगा और एक और उसका ये सिम्टम है कि मरीज चाहता है कि उसका सर तो ठंडक में रहे सर में गर्मी नहीं बर्दाश्त करता लेकिन बॉडी गर्म रहे यानी जिसम उसका गर्म रहे इसका एक की सिम्टम ये भी है कि इसके मरीज की तकालीफ अमूमन 12 बजे के बाद बढ़ जाती हैं। ये एक और वीडियो मैंने जो अस्थमा के ऊपर डाली थी यूट्यूब पे तो उसमें ए, मैंने इस बोला था कि ब्लाटा के साथ जो ए, हम, हम जिन पेशेंट को रात बारह बजे के बाद जिनकी तकलीफ बढ़ जाए सांस लेने में मुश्किल हो उनका अस्थमा ज्यादा पीक पे हो तो उन्हें उसके साथ आर्सैनिकम एल्बम थर्टी पावर में भी जो है तीन टाइम दी जाती है तो रात बारह बजे के बाद अस्थमा पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है लेकिन ब्लाटा तो लेनी ही लेनी क्योंकि वो उसकी बहुत जबरदस्त मेडिसिन है अस्थमा की तो उसके साथ मैंने इसका जिक्र किया था अपनी उस वीडियो में भी तो अमूमन जो है पेशेंट घबराता है फिजिकली भी वीक होता है और मेंटली भी वीक होता है आपने देखा होगा कई पेशेंट जो है आंखें घुमा रहे होते हैं कई पाऊ हिलाए जा रहे होते हैं कई हाथों को बार बार जो है हिला रहे होते हैं कोई भी अमल बार बार करते हैं उससे समझ आता है कि वो मेंटली भी अपसेट हैं और फिजिकली तो ऐसा पेशेंट जो है घबराया हुआ रहता है उसकी वजह से अमूमन वो बहुत वीक होता है और उसका वेट कम होता है और उसे अमूमन ऐसे पेशेंट जो थोड़ा सा ज्यादा अरसा आरसेनिकम एल्बम के, के पेशेंट होते हैं उन्हें फियर ऑफ डेथ बहुत होता है उन्हें होता है कि पता नहीं मैं इस मर्ज से सही होऊंगा नहीं होऊंगा या मेरी डेथ हो जाएगी अक्सर पेशेंट तो मेडिसिन भी फिर ना बददली से खाते या नहीं खाते कि मैंने तो ठीक होना ही नहीं है यानी उनमें फियर ऑफ डेथ होता है इसका पेशेंट अमूमन सफाई पसंद भी बहुत होता है थोड़ा सा वहमी कह लें सफाई पसंद कह लें यानी हाथ पांव वगैरह धोता रहता है और जो है वेल well ऑर्गेनाइज होता है उसके कपड़ों की अलमारी बड़ी ऑर्गेनाइज होती है उसके अराउंड टेबल्स वगैरह सब वो जो है वो वेल ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो उसकी चीजें पड़ी हुई होती ये भी उसके पर्सनैलिटी का हिस्सा है ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो हमें समझ आती है कि इस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन जो है सूटेबल हो क्योंकि होम्योपैथिक में ये चीज है कि आपकी सिम्टम्स की स्टडी है अगर आपकी पर्सनैलिटी पे एक मेडिसिन पूरा उतरती है उसकी सिम्टम्स की सिम्टम्स सारी ना चाहे उतरें दो या तीन सिम्टम्स भी पर्सनैलिटी से मिलती हो, तो उस मेडिसन से बहुत चांस होते हैं कि एकदम से आपकी काफी सारी मजीद बीमारियां भी जो है रिकवर हो जाती जिसके लिए ली होती वो तो होती होती लेकिन आपकी और भी कई सिम्टम्स को जो आपको पता भी नहीं होता वो भी कवर कर लेती है वो मेडिसन यानी काफी सारी आपकी तकालीफ दूर हो जाती है इसके पेशेंट थोड़े से जो है नाजुक मिजाज भी होते हैं क्योंकि जरा सी सर्दी में निकलने ही से ही उन्हें ठंड लग जाती ठंडी हवा या ठंडे पानी वगैरह के इस्तेमाल से फौरन छींके शुरू हो जाती बुखार होता है और इसका सूजन यानी स्वेलिंग भी इस तरह की जो है इसकी की सिम्टम्स में आती है और हर तरह के इसमें जो है छींके हो या बुखार हो स्वेलिंग हो उनकी हर तकलीफ में जलन उसकी भी उसके की सिम्टम में यानी उसकी जहां भी जो तकलीफ है चाहे वो सुराइसिस की हो चाहे छींकों की हो चाहे बुखार की हो उसमें बर्निंग का जो ए, एक है ना सिम्टम वो उसकी की सिम्टम में आती है इसमें बेचैनी होना बर्निंग और थस यानी प्यास ज्यादा हो लेकिन घूट घूंट जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया और गुस्सा जल्दी आ जाता है गुस्सा वैसे भी कमजोर जो पेशेंट होते हैं जो वीक होते हैं जिनमें ब्लड डेफिशिएंसी होती है या जिनमें जो है मुख्तलिफ किस्म की डेफिशिएंसीज होती हैं और वो अंडरवेट होती हैं उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है और इसका पेशेंट क्योंकि मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से ही काफी बेचैन होता है तो वो जो है अंडरवेट भी होता है और वीक काफी होता है तो इससे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और ऐसे पेशेंट अक्सर जो है डिप्रेशन में भी जल्दी जाती हैं ड्राउने ख्वाब आते हैं उन्हें रात को इसके अलावा खराब चीज खाने की वजह से फौरन ही फूड पॉइजनिंग हो जाती और फूड पॉइजनिंग भी इसकी जो है बेहतरीन ये मेडिसन है अगर किसी को बहुत जल्दी जो है वो फूड पॉइजनिंग हो जाए खराब चीज खाने से उसका बहुत बुरा हाल हो जाए डायरिया हो जाए डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाए तो इसकी ये बेहतरीन मेडिसन है और अक्सर पेशेंट जो मैंने पहले भी बताया कि मायूस हो जाता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी मेडिसन है और इसका पेशेंट जो है अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको अगर कोई दुख हो तो अपने साथ साथ दूसरों के दुख देख कर जो है वो उसके दुख को महसूस करते हैं बहुत ज्यादा के ये लेकिन इसका पेशेंट उसके ऑपोजिट है उसकी अगर पर्सनैलिटी को स्टडी किया जाए तो वो दूसरों का दुख तकलीफ भी सुन के बिल्कुल फीलिंगलेस सा सुनता रहता है वो महसूस नहीं इतना करता उसके अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी की फिकर अपनी तकलीफों की अपनी बीमारियों की इतनी फिकर और वो टेंशन में होता है कि वो दूसरों के दुख को देखकर तकलीफ को देखकर वो सुकून से सुनता रहता है और जानता रहता है ये नहीं है कि अक्सर पेशेंट तो दूसरों की तकलीफ को देखकर बहुत बेचैन हो जाते हैं इसके पेशेंट की पर्सनैलिटी में ये बात नहीं होती तो ऐसे पेशेंट को भी आरसेनिकम एल्बम जो है सुबह शाम चार चार ड्रॉप थोड़े से पानी में दी जाए तो उसकी उनकी पर्सनैलिटी में बेहतरी आ जाती है अक्सर जो लोग पचास साल की उम्र के ऊपर के बाद हो, वो होती हैं उन अफराद के ब्रेन में जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाती है यानी जब हम 50 क्रॉस करते हैं तो हम में से मोर देन 50 पर्सनैलिटीज जो है 50 परसेंट जो है वो उनके ब्लड सप्लाई जो है कुदरती तौर पर हम हर हर एंगल से हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो है वो वीकनेस की तरफ जाती हैं डिक्लाइन की तरफ जैसे इंसान आया है तो आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम होता है कि हम बहुत यूथ की तरफ जाती हैं इसी तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हम, हमारी ज्यों ज्यों जुँँ एज बढ़ती है तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो है वो जो है वो डिक्लाइन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं तो इसी तरीके से आम तौर पर आर्सेनिकम एल्बम के जो पेशेंट हैं उनके ब्रेन में ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाती है और ऐसे पेशेंट को भी अगर सुबह शाम जो है चार चार ड्रॉप थोड़े पानी में जो है आर्सेनिकम एल्बम दी जाए तो उनमें जो है हफ्ते दस दिन में जो है बहुत आराम आ जाता है इसके लेने से इसके अलावा ऐसे अफराद जो बाहर के खाने पीने से डरते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर ऐसी पर्सनैलिटीज होती हैं जो कि होटलिंग से बहुत एंटी होती हैं। उन्हें अगर ऑफर की जाए कि बाहर का खाना खा लेते हैं या होटल चलते हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो घर का ही घर जाके ही खाऊंगा या मेरा पेट अपसेट हो जाता है मैं इतना ज्यादा जो है मतलब मेरी इम्यूनिटी नहीं है कि इस तरह से ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है एक तरह से तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ये इम्प्रूव करती है और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो और जल्दी से खाना जो है वो हजम ना हो या फूड पॉइजनिंग हो जाए तो ऐसे अफराद जो है अगर घर से बाहर जाएं या होटल हो में दावत वगैरह हो तो एक डोज अगर थर्टी पावर की आप ले लें आरसेनिकम एल्बम की घर से निकलते वक्त तो बाहर का खाना खाके उनका पेट अपसेट नहीं होगा और ना ही फूड पॉइजनिंग होगी और अक्सर फीमेल के जो एक और इसका सिम्टम भी है कि अक्सर फीमेल के जो यूट्रस या ब्रेस्ट के जो इनिशियल स्टेज के कैंसर में जलन जिसमें ज्यादा हो यानी सिम्टम्स हो और उसमें जलन भी हो तो ऐसे पेशेंट को अगर सुबह सुबह 200 की डोज लें और तो उसकी काफी हद तक पेशेंट की रिकवरी हो जाती है लेकिन एक बात मैं बताती चलूं कि बहुत ही अनीशियल स्टेज पे जो ये कैंसर होता है फीमेल्स को उसमें तो बहुत अच्छी रिकवरी होती लेकिन अगर कैंसर बढ़ जाए काफी अरसे से हो तो फिर बहुत सारी और मेडिसन्स हैं और काफी जो है वो एक किसी अच्छे जो है डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट होना चाहिए पेशेंट को लेकिन ये माइंड में होना चाहिए कि ये उसकी बहुत जबरदस्त मेडिसिन है जो इनिशियल स्टेज के ये वाले कैंसर हैं और आकाश में अक्सर शुगर के पेशेंट जो के काफी अरसे से डायबेटिक उन्हें हो उन्हें अक्सर गैंग्रीन हो जाता है और ये वाली जो अब मैं आपके साथ इसकी सिम्टम डिस्कस करने लगी हूं ये बहुत कम जो है बुक्स में या स्टडी में लोगों को पता है कि ये गैंग्रीन की भी जबरदस्त रेमेडी है आरसेनिकम एल्बम ये जो है अमूमन पेशेंट को सुबह जो है थर्टी पावर में तीन ड्रॉप जो है थोड़े से पानी में सुबह शाम लें तो चंद दिन में जो है पेशेंट जो है बेहतरी की तरफ आ जाता है और गैंग्रीन जो है वो काफी हद तक उसका ठीक हो जाता है और जो अक्सर आपने देखा होगा बहुत ही एक तकलीफ दे शुगर पेशेंट का एक होता है कि जो पुरानी शुगर पेशेंट हो उनके पाओ पे अक्सर कट या उनके जो कट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं उनमें पस पड़ जाती है और पाव काटने पड़ जाती हैं और ये बड़ा ही एक तकलीफ दे और पेशेंट अपाहिज हो जाता है एक तरह से तो ऐसे पेशेंट उनको मैं जो है एडवाइस भी करती हूँ रिक्वेस्ट भी करती हूँ जो भी शुगर के पेशेंट मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या उनके अराउंड कोई शुगर पेशेंट्स हैं तो उन्हें जरूर कहें कि आर्सैनिक जरूर घर में रखें और वो थोड़ी सी भी कोई तकलीफ हो जैसे उनका पेट्री पेट खराब हो पाओ पे हाथों पे कहीं जख्म खराब हो तो एक तो आर भी ले और साथ ही साथ वो जो है कैलेंड्यूला क्यू पावर में अपने घर में जरूर रखें अपना कहीं भी जख्म हो दिन में दो मरतबा कॉटन लेके साफ कॉटन लेके अपने जख्म वाली जगह को कैलेंड्यूला क्यू से साफ करते रहें, तो उनका जख्म कभी भी खराब नहीं होगा वो चंद दिनों में हील हो जाएगा क्योंकि कैलेंड्यूला जो है बहुत जबरदस्त एंटीसेप्टिक सेप्टिक मेडिसिन है वो घर में जरूर रखें और साथ में आर्सेनिकम जरूर एल्बम जरूर रखें क्योंकि बहुत सारी सिम्टम जो डायबेटिक पेशेंट्स की हैं वो ये मेडिसिन कवर करती है और बहुत जो उनके वाइटल ऑर्गन्स खराब हो जाती हैं शुगर जो जिन्हें होती है ज्यादा रहे ज्यादा अरसा रहे बहुत ज्यादा वो हो तो उनके जो है बहुत जल्दी जो है आंखों में धुंधलापन पाओ पे कट्स लगने लगती हैं किडनीज की जो है तकालीफ हो, शुरू हो जाती हार्ट की हो जाती तो ये थोड़ी सी अगर वो अपनी ए, ए, ये थोड़ी सी केयर कर ले तो वो मुश्किल से बच सकती हैं और अक्सर पेशेंट की ए, एक और भी इसमें इसकी पर्सनालिटी होती है ऐसे पेशेंट की जो आर्सेनिकम के पेशेंट होते हैं कि मरीज को तकलीफ उतनी ज्यादा नहीं होती जितना वो शोर मचाती हैं इसका पेशेंट ज्यादा शोर करता है और ऐसे पेशेंट को भी थर्टी पावर में आरसेनिकम एल्बम दी जाती है तीन से चार दिन तक ही उसकी पर्सनैलिटी है थोड़ी सी उसमें चेंज आ जाती है अक्सर ऐसे अफराद जिसको बचपन में स्किन डिजीज हो और वो एलोपैथिक यानी जो डॉक्टरी दवाइयां होती हैं उनमें जो एंटीबायोटिक और लगाने की जो एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती है उससे जो है दबा दिया जाता है मरज तो फिर ऐसे पेशेंट को का मैदा जो है अमूमन खराब रहता है जब हम किसी भी पेशेंट के ये थोड़ा सा मैं डिटेल में आज आपको समझा रही हूं जिस जब हम किसी भी पेशेंट के ए, स्किन पे कोई भी डिजीज हो उसको दबा दें पस पस वगैरह ना निकलने दें किसी फोड़े से किसी पिंसी से किसी सोराइसी से या इस तरह के किसी मसले से उसको अंदर ही अंदर खुश कर दें तो वो हमारे अंदर ब्लड में रह जाती है मतलब मतलब हमारा ब्लड प्योरीफाई नहीं होता साफ सुथरा नहीं होता तो ऐसे ब्लड में जब के हमारे इस तरीके के का गंध हो तो ऐसे पेशेंट का ये भी होता है कि उसका जो है मेदा अमूमन खराब रहता है कभी ठीक होता है क्योंकि उसका ब्लड साफ नहीं होता और उसे जो है ये वाली वीकनेस स्टमक वीकनेस होती है तो ऐसे पेशेंट को भी 200 पावर के तीन ड्रॉप्स थोड़े से पानी में दो माह तक अगर दिए जाए यानी वीक में सिर्फ एक बार मतलब बार बार नहीं टू हंड्रेड का मैं कह रही मैं कह रही हूं ऐसे पेशेंट को जिनका स्टमक वीक हो बचपन में उनको एक्जिमा वगैरह हो लेकिन एलोपैथिक से दबा दिया जाए तो उनको जो है उनका मेदा बहुत वीक रहने लग जाता है जरा जरा सी बात पे उनका जो है वो स्टमक जो है अपसेट हो जाता है तो ऐसे पेशेंट को हफ्ते में सिर्फ एक मरतबा सुबह के टाइम फोर ड्रॉप्स जो है थोड़े से पानी में दे और तकरीबन तीन से चार माह अगर हर वीक वो ले लिया करें तो ये उनकी जो है बेहतरी हो जाती है और उनका स्टमक सही हो जाता है छींक आंख में खुजली नाक से मुसलसल पानी आए तो थर्टी पावर में तीन टाइम हफ्ते दस दिन में जो है मुकम्मल आराम आ जाता है और जो मैंने पहले भी बताया कि शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और अक्सर मेरे अराउंड जितने शुगर पेशेंट्स होते हैं मैं उन्हें कहती रहती हूँ कि आरसेनिकम एल्बम जरूर घर में रखें और साथ में ऊपर जैसे मैंने पहले भी कहा कैलेंड्यूला जख्मों के लिए जरूर रखें क्यू पावर में शुगर के पेशेंट को अक्सर यूरिन से जो है एल्ब्यूमिन जो है निकलना शुरू हो जाता है और अक्सर आंखों से धुंधला दिखाई देने लग जाता है गैंग्रीन का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है तो ये जो है थर्डी पावर में अगर सुबह शाम थोड़े थोड़े पानी में लें तो ऐसा प्रिवेंटिव मेडिसिन भी जो है ऐसे पेशेंट ले सकते हैं और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है इसके अलावा ये बालों के झड़ने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है टू मच डेंड्रफ के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है कुछ लोग होते हैं जिनके सर से इतनी डेंड्रफ गिरती है कि उनके कोट और शर्ट के कॉलरस पे गिरी हुई दिखाई दे रही होती है छिलके नुमा भी उतरती तो इनके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसन है आर्सेनिकम एल्बम थर्टी पावर में सुबह शाम ये तीन तीन, तीन ड्रॉप जो है थोड़े पानी में लें तो मुकम्मल आराम आ जाता है और इस मेडिसन की एक और अच्छी बात यह है कि अक्सर स्किन मेडिसन अगर हम लेते हैं तो उसके एग्रावेश होते हैं होम्योपैथिक में जैसे सल्फर वगैरह के एग्रावेश देखने में बहुत आते हैं लेकिन इस मेडिसन के कोई एग्रावेशन रिजल्ट हमें नहीं मिलते ये बहुत सेफ मेडिसिन है बच्चों को भी दे सकते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इंफॉर्मेटिव लगे और तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा इसको जो है इसके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही जो है वो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल जो है वीडियोस देखने को मिलती रहे और अगर इस इन मेडिसिन से किसी का कोई जो है सुकून आए आराम आए तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा और जो और सुनने वाले हैं लेकिन उनकी सिम्टम्स नहीं है तो वो दूसरे पेशेंट को सबकैश जारिया समझ के जरूर बताया करें कि ये मेडिसन या ये चीज आपके लिए अच्छी है तो आप यूज कर लें ओके अल्लाह हाफिज दुआओं में याद रखिएगा